नमस्कार। आपने कभी अपने पीसी में प्रोसेसर अपग्रेड करने का सोचा होगा तो आपको एक जनरल आइडिया होगा कि डिफरेंट जनरेशन के प्रोसेसर्स डिफरेंट मदरबोर्ड पर सपोर्ट करते हैं। चलो मान लो आपके पास राइजन का सेकंड जनरेशन का सीपीयू है, आपने उसे अपने B450 मदरबोर्ड के चिपसेट पर लगा रखा है। आपको आज मन हो गया कि भाई इसमें अब और मज़ा नहीं आ रहा, अब ताकत नहीं रही इस सीपीयू में, इट्स टाइम फॉर एन अपग्रेड। इन दैट केस आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, या तो आप न्यू मदरबोर्ड खरीदेंगे नए प्रोसेसर के लिए, या तो फिर इसी के बायोस को अपडेट करेंगे। राइट, बायोस अपडेट के कई फायदे हैं जैसे बग फिक्सेस, परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट एंड सीपीयू कंपैटिबिलिटी वगैरह। तो भाई आज के इस वीडियो में हम हमारे खुद के पीसी का बायोस फ्लैश करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप हम पूरा प्रोसेस बताएंगे, तो फिर शुरू करें। सबसे पहले तो आप अपने पीसी में रन कमांड चला के MS Info 32 टाइप करके रन कर दे। इस डायलॉग से आप अपने करंट बायोस का वर्जन चेक कर पाएंगे। इसके बाद अपने मदरबोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करें कि भाई कोई नया अपडेट आया है बायोस का। अगर आया है तो उसकी डिटेल्स में चेक करके उस बायोस में क्या इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। अगर इम्प्रूवमेंट मेजर है और आपके काम का है तो इस वर्जन को डाउनलोड कर ले। अब यहाँ मैं अपनी बात करूँ तो मेरा गीगाबाइट X470 अल्ट्रा गेमिंग मदरबोर्ड है जिसका बायोस मैंने आज तक कभी भी अपडेट नहीं किया। अगर मैं अपने मदरबोर्ड की वेबसाइट पर देखूं तो यहाँ मुझे 2018 से लेकर 2021 तक के सभी बायोस लिस्टेड दिख जाते हैं। मेरा करंटली F2 बायोस वर्जन इंस्टॉल्ड है। अब गीगाबाइट में ऐसा सीन है कि भाई मैं डायरेक्टली लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट नहीं कर सकता, अगर मैं ट्राई भी करता हूँ तो एरर मैसेज शो करता है। इन दैट केस इंक्रीमेंटल बायोस अपडेट करना होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ लेटेस्ट बायोस वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं। जनरली ये जिप फाइल में डाउनलोड होता है, अगर जिप फाइल में है तो उसे सिंपली अनजिप कर ले। नाउ कोई भी ब्लैंक पेन ड्राइव में इस बायोस को कॉपी कर ले, देन पीसी रिस्टार्ट करके बायोस में एंटर करे। अगर बायोस ओपन नहीं हो रहा तो टॉप राइट साइड आई बटन में वीडियो है, उसे आप रेफर कर लेना। ठीक है, अब बायोस ओपन हो चुका है। यहाँ आपको एक ऑप्शन फाइंड करना रहेगा, इजी फ्लैश, क्यू फ्लैश या एम फ्लैश नेम का। उस पर क्लिक करें, बायोस फ्लैश का डायलॉग ओपन हो जाएगा। अब पेन ड्राइव में डाउनलोड की हुई फ्लैश फाइल सिलेक्ट करें। लेफ्ट साइड पर आप अपना करंट बायोस और उसके नीचे अपडेट होने वाला बायोस का सारी इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे। इसे कंफर्म कर ले, देन प्रेस टू स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। इससे अपडेट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को करीब 4 से 5 मिनट लगेंगे। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सिस्टम अपने आप रिस्टार्ट होकर विंडोज बूट कर लेगा। लो जी, हो गया अपना बायोस अपडेट। कंफर्म करने के लिए वही अपना पुराना वाला मेथड MS Info 32 कमांड टाइप कर वेरीफाई कर सकते हो। ऑलराइट, प्रोसेस काफी सिंपल है, यार थोड़ा रिस्की भी है क्योंकि अगर अपडेट प्रोसेस के बीच में अपनी लाइट चली गई या फॉर सम रीजन अपडेट बीच में ही फेल हो गया तो मदरबोर्ड जो है ब्रेक हो सकता है, मतलब कि अपना पीसी कभी वापस बूट ही नहीं होगा। वैसे आजकल के नए नए मदरबोर्ड्स में ड्यूअल बायोस आते हैं जिसे बैकअप बायोस भी कहा जाता है। अगर आपके मदरबोर्ड में ये फीचर है तो फिर टेंशन की कोई बात नहीं, आप आराम से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो भाई अभी लाइक कर दो, वीडियो ऑलमोस्ट खत्म होने को है। और इसी तरह से पीसी रिलेटेड टेक स्टफ में इंटरेस्ट रखते हो तो भाई क्या कर रहे हो, चैनल को जरा सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए जी, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।